जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और आज आप हमारे चैनल पर देखेंगे बहुजनों की आवाज, दलितों की आवाज, किस किस तरह से दलितों के साथ कहां किस तरह से लोग स्थिति को झेलते हैं। तो आप इस वीडियो में देखेंगे और हम आपको दिखाएंगे, हमारा जो चैनल है पूरा बहुजन समाज के लिए समर्पित है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी के लिए समर्पित है, विचारों के लिए समर्पित है। आप देखिए इस वीडियो को। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर एंकर अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। साथियों नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम। I would request people, if you are there, please get connected as fast as possible. I'd request each and every individual who are online, please get connected. It's really very today for Shanti ji. I'd request you people, if you are online, please get connected as fast as possible. More people will be connected and more information will be I'm going to share with you. Satyo, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum. मैं सतीश पौध आज इस लाइव में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। बड़ी ही भावपूर्ण संवेदनाएं लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जिस तरह से आज अचानक एक दुखद समाचार आप सभी को प्राप्त हुआ होगा, हमें भी प्राप्त हुआ कि साहित्य जगत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को समाज के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करने वाले महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का आज परिनिर्वाण हुआ, जो एक बड़ी ही दुखद घटना रही। और मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि शोकाकुल परिवार को जल्द से जल्द शांति प्राप्त हो। परिवार में जो दुख आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति उन्हें जल्द से जल्द प्राप्त हो, क्योंकि ये जो नुकसान है ये केवल उस परिवार का ही नहीं है, ये पूरे समाज का नुकसान है। और ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि शायद इस क्षति की पूर्ति किया जाना नामुमकिन है, ये क्षतिपूर्ति इसकी नहीं हो सकती। तो ऐसे में मैं सतीश बौद्ध अपने हृदय की गहराइयों से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप कम से कम लोगों से मिलें, घर से बाहर कम से कम निकलें, आप स्वस्थ रहेंगे तो मिशन चलेगा। क्योंकि अत्यंत दुख की घड़ी में जहाँ पूरा समाज आज शोक में डूबा हुआ है, मतलब कई बार जैसे खबर मिली तो जैसे आंखें भर आई कि एक महा कैसे कहूँ मैं, एक ऐसा महानायक हमारे समाज का, जिसने समाज को ना सिर्फ नई दिशा देने के काम किया, बल्कि एक ऐसा महानायक जिसने साहित्य के माध्यम से मेरे जैसे युवाओं में जन चेतना पैदा की,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति संवेदनाएं पैदा की, भावनाएं पैदा की, और हम लोगों में जो जोश जुनून बाबा साहब के प्रति भरा, उनके साहित्य को पढ़ के भरा। उनका साहित्य ऐसा रहा कि जैसे पत्थर में भी प्राण फूंक। पूरे भारत में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का प्रतिपादन हो रहा था, लोग मंचों पर जा रहे थे, लोग राजनीतिक दलों में जा रहे थे, उस समय बोधाचार्य जी ने अपनी लेखनी से, अपने कलम के माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा को समाज के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम किया। और वो कलम जब उनके हाथ में आई तो इतनी बड़ी ताकत बन गई कि आज भी जब उनके प्रकाशन के द्वारा प्रदान की गई पुस्तकों का हम अध्ययन करते हैं तो पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वो सारी तस्वीर मस्तिष्क में चल रही है, यथा समय चल रही है। और उसके अलावा मुझे अच्छे से याद है, एक बार गाज़ियाबाद में एक छोटा सा कार्यक्रम मैंने किया था अशोक धम्म विजयदशमी के मौके पर, तो वो वहाँ आए थे। उनके आने से जितना आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, जितनी हमारे अंदर ऊर्जा का सृजन हुआ, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और उन्होंने जिस तरह से केवल साहित्य नहीं, समाज को एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बुद्ध की विचारधारा से जोड़ने का जो काम किया, वो अनूठा था। उन सांस्कृतिक माध्यमों से मंच पर नए नए कलाकारों को मौका देना, गायन प्रतिभा को अर्जित करके युवाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं में काव्य के प्रति रुझान पैदा कर देना, ये बहुत बड़ी बात थी। ये इतनी बड़ी बात है कि इसे सामान्य शब्दों में शायद ही कहा जाए। वो ऐसे महापुरुष बहुत कम पैदा होते। मेरे जैसे व्यक्ति को मैं अगर सनातनी भाषा में कह दूँ, हालांकि ऐसे सनातनी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मौका ऐसा है, बड़े ही सौभाग्यशाली महसूस करते हैं हमारे जैसे युवा जब उनके साथ मंच साझा करने का मौका मिलता है। और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, और इतनी दुख की घड़ी में मैं अपने हृदय से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और मंगल कामनाएं करता हूं कि पूरे परिवार को एक क्षति को झेलने की हिम्मत वो जुटाएं, अपने अंदर आगे बढ़ने के लिए, समाज से जुड़े रहने के लिए फिर से हिम्मत जुटाएं, क्योंकि दुख की घड़ी है। लेकिन दुख की घड़ी में जब आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो आप सच्चे अंबेडकर वादी, क्योंकि बाबा साहब ने अपने चार चार बच्चे खोए थे, लेकिन वो समाज के काम से पीछे नहीं हटे। तो ये तो बताते थे मन से कि बाबा साहब ने इन्हें गोदी में लिया था, बाकायदा बाबा साहब ने ही इनका नाम रखा था, तो इनके ऊपर तो बाबा साहब की एक अनूठी अनुकंपा रही है। और आज वो हमारे बीच में नहीं है। शोकाकुल परिवार में धैर्य की मंगल कामना करता हूँ, पूरा परिवार स्वस्थ रहे ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आप सभी से निवेदन करता हूँ, भारत की सरकार, उसके बस का कुछ नहीं, आपको अपना ख्याल स्वयं रखना पड़ेगा, स्वयं रखना पड़ेगा। और बड़े ही गंभीर रूप से मैं आपसे निवेदन करूँगा, कम से कम लोगों से मिलें, कम से कम बाहर निकलें। जितना कम लोगों से मिलेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। और अगर बाहर जाना पड़ता है तो आप बाहर जाइए, लेकिन पूरे सुरक्षा संसाधनों के साथ। आपके पास मास्क होना चाहिए, आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, तब आप बाहर निकलें, ताकि आप
सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहेंगे तो स्वस्थ बने रहेंगे। और यकीन जानिए हमारे समाज में वैसे ही जो है सच्चे सिपाहियों की कमी है, और ऐसे में अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो समाज बहुत पीछे चला जाएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, अपने खान पीन का ध्यान रखिएगा, बार बार हाथ धोते रहें, दूध के साथ हल्दी ज़रूर पिए, सवेरे की धूप लें ताकि विटामिन डी मिले, आपकी इम्यून शक्ति बढ़ती रहे, ऐसी मैं मंगल कामनाएं करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध फिर से अपने हृदय की गहराइयों से महापरिनिर्वाण प्राप्त बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके बताए गए रास्ते पर हम चलते रहेंगे, उनका अनुसरण करते रहेंगे। जो कारवा उन्होंने समाज को दिया है, हम उस कारवा को पीछे नहीं जाने देंगे, हम उस कारवा को आगे लेकर के जाएंगे, मैं ऐसा भरोसा दिलाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्न। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।